कथा सुनने की लालसा बढ़े, ये अधिकार हमको कब प्राप्त होता है? तब कहते हैं निर्मत सराणाम सताम। जब तक मात्सर्य दोष आपके चित्त में रहेगा तब तक कथा सुनने की लालसा नहीं होगी। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? दूसरे के सुख से उत्पन्न होने वाला दुख, इसको मात्सर्य दोष कहते हैं। किसी की उपलब्धियों से अप्रसन्न होने वाला दुख, इसको मात्सर्य दोष कहते हैं। और ये मात्सर्य दोष भागवत की रुचि में बाधा बनता है। इसलिए भैया कभी भी मात्सर्य दोष को चित्त में मत आने दीजिएगा। किसी की उपलब्धि देख करके यदि आपको जलन होने लग जाए, तुरंत नेत्र बंद करिए और ठाकुर जी का स्मरण करना प्रारंभ कर दीजिए। मैं एक बात कथाओं में कहा करता हूं कि ठाकुर जी आपकी रक्षा करते हैं, ये कैसे पता चले? और लोग बाग कहते हैं गाड़ी चल रही थी महाराज और इतनी स्पीड में आगे से एक ट्रक आ गया और तभी हमारे ड्राइवर ने, ठाकुर जी ने बड़ी रक्षा करी हमारी, ड्राइवर की बुद्धि चल गई इसलिए बच गए आप, ठाकुर जी ने रक्षा नहीं करी। महाराज जी कोरोना हो गया था, आईसीयू में चले गए, हम तो बस डॉक्टर ने कहा कि अब दिन गिनो, लेकिन पता नहीं क्या ऐसी ठाकुर जी ने रक्षा कर दी, हम बच गए। ये जो आप मृत्यु के भय से बचने की बातों पर ठाकुर जी को ले आते ना, ठाकुर जी ने रक्षा की, ये रक्षा नहीं है ठाकुर जी की। ठाकुर जी की वास्तविक रक्षा क्या है? कोई बहुत उपलब्धि प्राप्त करके आपके सामने आ गया और आपको उसको देख के ईर्ष्या नहीं हुई, तब समझना कि ठाकुर जी ने रक्षा की। कोई आपसे श्रेष्ठ हो गया और उसको देख करके आपको बिल्कुल भी जलन नहीं हुई, तब समझो ठाकुर जी ने रक्षा की। किसी के सौंदर्य को देख करके आपके चित्त में काम की भावना उत्पन्न ना हो, समझना ठाकुर जी ने रक्षा की। बहु व्यंजन देख करके, बहु भोग की वस्तुएं देख करके उनको भोगने का मन ना हो, तब समझो ठाकुर जी ने रक्षा की। ये वास्तविक रक्षा है मेरी स्थिति में, मेरे विचार से ये रक्षा है। आपकी मन की रक्षा ठाकुर जी करते हैं, आपकी तन की रक्षा, अगर तन की रक्षा करनी होती तो हम जीवन भर अपंग ही रहते, चल फिर ही नहीं पाते। ठाकुर जी ने चलना भी सिखाया, बोलना भी सिखाया, हाथ से कर्म करना भी सिखाया, मतलब अपने तन की रक्षा की जिम्मेवारी तुमको ही दी है ठाकुर जी ने। चलना सीख गए मतलब अब चलो, बोलना सीख गए मतलब अब सदके रहो, नेत्रों से देखना सीख गए अब जिसको देखना चाहिए उसी को देखो, अपनी रक्षा स्वयं करो, पर मन की रक्षा ठाकुर जी करते हैं, ये वास्तविक रक्षा है। तो निर्मत सराणाम सताम, मात्सर्य दोष जिसके चित्त में कभी प्रकट नहीं होता वो भागवत का अधिकारी है। मैं तो एक बात और कहूं, 7 दिन जब पूरे हो जाए ना तो देखो एक बात बड़ी अच्छी बात है, ईर्ष्या तो सबको होती है किसी ना किसी से, आपको भी होती होगी किसी से। 7 दिन जब कथा पूरी हो जाए ना, 7 दिन बाद उस व्यक्ति से मिलने जाना जिससे ईर्ष्या होती है आपको, जिसकी अच्छी कमाई देखी नहीं जाती, जिसका घर नहीं देखा जाता, जिसका रूप नहीं देखा जाता, अरे इतना सुंदर क्यों है ये, जिसके जिसके प्रति किंचित भी ईर्ष्या का भाव है ना, कथा सुनने के बाद उससे मिलने जाइएगा। और यदि उसको देख करके ईर्ष्या नष्ट हो गई हो, ईर्ष्या ना हो रही हो, तब बस हृदय पर हाथ रख के प्रसन्न हो जाना, वाह ठाकुर जी आपने रक्षा की हमारी, अब ईर्ष्या नहीं हो रही हमको, अब हमको प्रिय लग रहा है। ये छोटी छोटी बातें हैं पर इनके भाव बड़े गूढ़ हैं। तो निर्मत सराणाम सताम कि वैद्यं वास्तवमत्रमस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। तो पहला विषय, दूसरा अधिकारी और तीसरा संबंध। ये बात तो मैं हर कथा में कहता हूं कि ठाकुर जी ही आपके हो सकते हैं, कथा से और कुछ आपको प्राप्त नहीं होगा।
कथा कराने से, कथा सुनने से आपके जीवन के कष्ट कम हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। जितने लिखे हैं उतने तो भोगने ही पड़ेंगे। कथा कराने से, कथा सुनने से आपके व्यापार में वृद्धि हो जाएगी? नहीं, आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, कथा से कुछ नहीं होगा। हम भी बचपन में सोचते थे हनुमान चालीसा के 11 पाठ करके जाएंगे तो पेपर अच्छा होगा, लेकिन पढ़े नहीं है तो पेपर का अच्छा होगा। रात में पेन रख देता था मैं तो ठाकुर जी के पास, इसमें इतनी शक्ति भर देना सुबह बढ़िया चले। अब जाके ये बातें समझ आती है, ठाकुर जी कहते बेटा पढ़ोगे नहीं तो कैसे काम चले। देखो, देव भी उसकी सहायता करते हैं जो पारिश्रमिक होता है, जो श्रम करता है, बुद्धि का प्रयोग करे, हाथ पैर अपने मन बुद्धि का प्रयोग करे, ऊपर देव भी उसी की सहायता करते हैं। सुंदरकांड में कहते हैं देव देव आलसी पुकारा, जो देवताओं के भरोसे पड़ा रहता है और कुछ करता धरता नहीं वो आलसी है। तो अगर आप सोचो कि कथा सुनने करने से, तीर्थ यात्रा करने से आपके व्यापार बढ़िया चले, बिल्कुल नहीं चलेंगे, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। ना तो आपके दुख कम होंगे, ना आपका व्यापार चलेगा, ये सब आपके प्रारब्ध हैं। अपने प्रारब्ध और कर्मों से ही आप इनको सजा सकते हो, सवार सकते हो। कथा सुनने से केवल एक होगा काम, क्या? कृष्ण प्रिय लगने लगेंगे, कृष्ण अपने लगने लगेंगे, बस यही है। और इससे बड़ी उपलब्धि चाहिए भी क्या आपको? इससे बड़ी उपलब्धि चाहिए भी क्या हमको? कुछ नहीं, वो सबसे प्रिय लगे बस। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, एक बहुत सुंदर पद है। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। बंधुओं, ये होगा कथा सुनने से, अटक गए हो। कहां अटक गए हो? बोले गिरधर छवि पे अटक गए, बांकी अदा पे अटक गए, ठाकुर जी की मधुर मुस्कान पर अटक गए, तिरछे कटाक्ष नेत्रों पर अटक गए, बस उससे आगे जा ही नहीं पा रहे। ये होगा कथा सुनने से, ये मिलेगा कथा सुन, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसके अलावा कुछ और की कामना से यहां बैठे भी हो तो आप कल से ना भी आओगे तो चलेगा, क्योंकि इसके अलावा कुछ मिलना ही नहीं है यहां पर। यहां तो ये अटकाव ही मिलेगा श्री कृष्ण के चरणारविंदों का, यही भागवत प्रदान करती है। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर, सब लोग गाओ, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, शिव को चार घड़ी थट क्यों, चिबुक चारू घड़ी थट क्यों। एक भाव बहुत सुंदर मैं कथा में कभी कभी आता है मन में, इसी पद से ही प्रकट हुआ ये भाव। श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण है चिंबक, चिंबक होती है ना, और मानव कौन है? मानव है लोहा। लोहा चिंबक के सामने जाएगा तो ना चाहते हुए भी कितनी भी रुकावटें बीच में आ जाएं वो चिपक ही जाएगा, लेकिन लोहा चिंबक से नहीं चिपक रहा है तो इसका मतलब लोहा अपनी क्वालिटी से गिर चुका है, उसमें जंगल वंग लग गई है, बेकार हो गया है, बर्बाद हो गया, इसीलिए नहीं चिपक पा रहा है।
कथा सुनने के पश्चात, वृंदावन जाने के पश्चात कृष्ण में अटके नहीं हो तो समझना आपका जो लोहा है ना उसमें जंग वंग लग गई है, अब उसको बढ़िया कथा रूपी केमिकल में डाल करके साफ कर लो, उसको स्वच्छ कर लो, पवित्र कर लो। कथा सुनने के बाद जैसे ही आपका लोहा पवित्र होगा, उसकी जंग दूर होगी, उसके बाद जैसे ही कृष्ण के सामने जाओगे सुई चिपक जाओगे, फिर छूट नहीं पाओगे। कृष्णदास जी कहते हैं, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित चाल पे चल के, चिबुक चारु गढ़ थट क्यों, चिबुक चारु गढ़ थट गाओ, करताल बजा। सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण नील है, फिर चित बंधुओं, एक सिचुएशन हर भक्त फेस करता अपनी लाइफ में, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई वैष्णवों ने यह प्रश्न मुझसे किया है कि महाराज जी, पहली हमारी भक्ति बहुत 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 प्रेम करते थे हम ठाकुर जी से, ठाकुर जी की सेवा करना, उनको उनके लिए प्रसाद बनाना, उनके लिए अनवरत उनके प्रति भाव रखना, पर पता नहीं क्यों कुछ समय पहले पता नहीं क्या हुआ कि अब वो भाव वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। ऐसी स्थिति में बंधुओं घबराइए मत। कभी कभी क्या होता है कि ठाकुर जी से जब आप अत्यंत प्रीति करने लगते हैं ना, तब भगवान मन में